हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, Redmi Note 10 सीरीज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। एंड सारे वेरिएंट्स के आप बोल सकते हो प्राइस पॉइंट धमाकेदार Xiaomi ने इंडिया में रखा है। लेकिन एक कंफ्यूजन है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, भाई आज की डेट में Redmi Note 10 Pro को परचेस करें या प्रो मैक्स को परचेस करें, भाई कंपेरिजन करके बता दो। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट, सिंपल और आसान शब्द में कंपेरिजन करके बताऊंगा और एग्जैक्टली मैं बताऊंगा कि कौन सा वेरियंट, कौन सा मॉडल आपके लिए आज की डेट में बेटर रहने वाला है ये दोनों स्मार्टफोन में। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट के बारे में कि एग्जैक्टली में कौन से वेरिएंट में कितना प्राइस पॉइंट का यहाँ पर फर्क रखा गया है। Redmi Note 10 Pro की अगर हम बात करें, 664 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 16000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि 6128 वाला वेरिएंट जो है वो आपको 17000 रुपए में मिल जाता है, जबकि जो आपका 8128 वाला वेरिएंट है वो आपको मिल जाता है 19000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। जबकि मैक्स वाले वेरिएंट की अगर हम बात करें तो जो बेस वेरिएंट है 664 वाला इंडिया में आपको देखने को मिल जाता है 19000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि 6128 वाला वेरिएंट है वो आपको 20000 रुपए में देखने को मिलता है और जो 8128 वाला वेरिएंट है वो आपको 22000 रुपए का देखने को मिल जाता है। अगर हम डिफरेंशिएट करें कि भाई कितना प्राइस पॉइंट में यहां पर दोनों स्मार्टफोन में गैप है, तो आप कोई भी वेरिएंट लो, मतलब बराबर से अगर आप वेरिएंट देखते हो 6GB 8GB वाला, तो आपको 3000 रुपए का हर एक वेरिएंट में जो फर्क देखने को मिलेगा बिटवीन Redmi Note 10 Pro और Pro Max में। तो क्या 3000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करके मैक्स लेना चाहिए या रेगुलर वाला Redmi Note 10 प्रो से आपका काम चल जाएगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कट यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले एक चीज आपको डिटेल में बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन आइडेंटिकल है, सिर्फ एक डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलता है, वो है इसके कैमरे को लेके। जो 10 प्रो है उसमें आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जबकि मैक्स वाला वेरिएंट है उसमें आपको देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, और बाकी की पूरी 99% जो स्मार्टफोन है वो आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है। सेम फ्रॉस्टेड टाइप का आपको यहां पर ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है, सेम 120 हर्ट्ज का आपको सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है, सेम रैम रॉम है, सेम UFS 2.1 स्टोरेज टाइप, LPDDR4X रैम टाइप, और सेम बाकी के जो तीन कैमरास है वो भी सिमिलर है, 732G वो भी पूरा सिमिलर है, सेम बैटरी लाइफ आपको मिलती है और सेम 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो बेसिकली Redmi आपको 3000 रुपए किस चीज का चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपका 64 मेगापिक्सल से 108 मेगापिक्सल पे अगर आप जाओगे तो आपको 3000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मैं अगर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करूं कि कौन सा वेरिएंट आपको परचेस करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से Redmi Note 10 Pro बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है एज कंपेयर टू मैक्स वाले वेरिएंट से। 64 मेगापिक्सल मोर देन इनफ सभी के लिए यहां पर ठीक रहेगा। अगर Xiaomi वाले अच्छे से पोस्ट प्रोसेसिंग करें, ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते, तो 64 मेगापिक्सल मोर देन इनफ हो जाता है। अगर आप मतलब 108 मेगापिक्सल के मतलब नंबर गेम आपको अच्छा लगता है और बहुत बड़े फैन हो गए यार मेरे डिवाइस में 108 मेगापिक्सल रहना ही चाहिए, तब मैक्स वाले वेरिएंट की तरफ अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है मोर देन इनफ बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है। बस 3000 रुपया उसका एक्स्ट्रा पे करना मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं है। तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा मैक्स वाले वेरिएंट को स्किप कर सकते हो, 10 प्रो के साथ में आप जा सकते हो। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 10 प्रो ले तो 10 प्रो में कौन सा वाला वेरिएंट ले, 664 ले, 6128 ले या 8128 ले। देखो, सबसे मैं बिल्कुल जेन्युइन और ऑनेस्ट तरीके से बता दूं, जो 6128 वाला वेरिएंट है 17000 रुपए में वो सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अब आप बोलोगे यार 16000 रुपए में 664 भी मिल रहा है, तो यार आप कितने भी हैवी यूजर हो, मीडियम यूजर हो या लाइट यूजर हो, मैं आपको बोलूंगा अगर आप फोन को 2 से 3 साल इस्तेमाल करना है तो आज की डेट में 2021 में आपके स्मार्टफोन पे 128GB की स्टोरेज मस्ट है, होना ही चाहिए, और 1000 रुपए में आपको जो स्टोरेज बढ़ के मिल रही है तो मैं बोलूंगा 664 को भी स्किप कर दो, 8128 को भी स्किप कर दो, 6128 वाला जो 17000 रुपए में मेरे हिसाब से ये पूरी सीरीज में सबसे बेस्ट वेरिएंट आप इसे कह सकते हो। एंड मैं वो हाईली आपको रिकमेंड करूंगा 17000 वाले वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। वैसे मैक्स अगर भाई 108 मेगापिक्सल के बहुत बड़े फैन हो तभी देखना, अदरवाइज मेरी तरफ से यहां पर 10 प्रो की तरफ ही यहां पर वोट जाएगा एंड सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन वही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, मैक्स वाले वेरिएंट में 5G होता और कुछ चीजें हो जाता और थोड़े भले महंगा हो जाता तब तो चलता, लेकिन सेम स्मार्टफोन सिर्फ 108 मेगापिक्सल कैमरे के लिए 3000 एक्स्ट्रा पे करना बिल्कुल भी वर्थ
नहीं है। तो गाइस ये थे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन, आई होप सो गैर आपके सारे डाउट्स कंफ्यूजन वो क्लियर हो चुके रहेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो। और अब यहाँ पर आप जो है 10 प्रो के साथ में जाओगे, 10 प्रो मैक्स के साथ में जाओगे, कौन सा वेरियंट, कौन सा कलर आपका फेवरेट है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, एंड गैस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।